मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एसपी साधु संतों को अपमानित करने का काम करती है। समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में गुंडा और माफियाओं को अलग तरीके से परिभाषित करने का काम किया। जब कभी भी उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किसी भी गुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तो सबसे पहले अगर किसी के पेट में दर्द शुरू होता है तो वो समाजवादियों के पेट में दर्द शुरू। तो आज जब गुंडा और माफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है तो समाजवादियों का परेशान होना स्वाभाविक है। हम उनकी परेशानी को समझ रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन भी समझ रहे हैं। अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया के बयान पर अयोध्या के संतों में रोष है। साधु संतों ने अखिलेश यादव के बयान के खिलाफ विरोध जताते हुए सरयू में तिलांजलि दी और अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की। हाल ही में श्रीमान अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से साधु संतों को मठाधीश को माफिया जोड़कर बताया और माफिया से उनकी तुलना की, उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इससे पूरे देश में फैले करोड़ों साधु संतों को उन्होंने व्यक्तिगत टारगेट किया है और साधु संतों को माफिया बताने का प्रयास किया है। आज हम सभी साधु संत इस बात से आहत होकर माँ सरयू की घाट पर सरयू जी में, जो जानती है कि समाजवादी पार्टी ने कैसे 90 के दशक में लाखों साधु संतों के सहित हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक नरसंहार कर दिया था और कैसे रामचरितमानस को जलवाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में अखिलेश यादव साहब ने किया था और उसी प्रकार से अब साधु संतों को मठाधीशों को माफिया बताने का काम कर रहे हैं। उन्हीं माँ सरयू को और अयोध्या के समस्त साधु संतों को साक्षी मानकर मैंने समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव साहब को तिलांजलि दे दी है।